लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य का राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमारे विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाती है और हमें आंतरिक सबल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। अब हम सभी ईश्वर की वंदना से दिन की शुरुआत करते हैं, इसलिए मैं राखी और आर्या को बुलाना चाहूंगी। हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। इतनी शक्ति हमें दे हैं। हमारे अपने परिवार और देश के प्रति से कर्तव्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके लिए मैं कक्षा 8 से शिवम को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात आप सभी को, मेरा नाम शिवम परमार है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूं। आप सभी प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाइए। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। स्ट्रेंथ विश्राम, सावधान विश्राम। शब्द के लिए मैं कक्षा 8वीं के छात्र प्रशांत को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात, मेरा नाम प्रशांत परमार, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज का शब्द है श्रष्टाचार। श्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, श्रष्ट प्लस आचार, मतलब अच्छा आचरण। धन्यवाद। जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा। हिंदी देश की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ यह हमें दुनिया भर में पहचान दिलाती है। अब मैं आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8 से तनुज को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात आप सभी को, मेरा नाम तनुज परमार है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का विचार है, राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद। छात्रा हूँ, मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर बार हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता, बाद में क्यों समझते हैं हिंदी बोलने में अपमान क्यों समझते हैं। हिंदी बोलने में खुद को महान भूल गए हम क्यों। किसी अंग्रेजी ने परसों पहले बनाया था गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सर सर प्रणाम। फिर से गाएं हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं हम सब सीना तान। भाषा तब सहज बहती, संस्कृति प्रकृति संग चलती।
भाषा सभ्यता की सभ्यता सलग रही अभिव्यक्ति सभ्यता कंप्यूटर के क्षेत्र में थोपी जा रही है अंग्रेजी शोर में आधुनिकता की कहते हैं इसे जान छीन रहे हैं। हिंदी के आरजमान हम सब मिलकर दे सम्मान निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदू की मस्तिष्क की बेटी जन जन की आत्मा बनी हिंदी। हिंदी के प्रति सब होंगे सजन राष्ट्रभाषा को माने का सारा जल। आओ मिलकर फिर से गाएं हिंदी हिंदी हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। थैंक यू। आज का तथ्य प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 8वीं के छात्र प्रचित को बुलाना चाहूंगी। मेरा सुप्रभात सभी को। मेरा नाम प्रचित कुमार है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज का तथ्य है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा बनेगी। पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस समूह समाज और वातावरण में रहते हैं वहाँ घट रही घटनाओं के बारे में जानकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति के लिए कक्षा 8 से हिमांशु को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम हिमांशु यादव। मैं कक्षा 8वीं का छात्र। आज मैं आपसे कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? 343(2)-351। सही उत्तर। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? लेखक शंकर जी। सही उत्तर। उत्तर, 1964 में मलयालम लेखक जी शंकर को हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? 1141 व्यंजन। सही उत्तर। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सही उत्तर। धन्यवाद। अतः हम सभी में देश प्रेम की भावना के साथ सभी राष्ट्रगान के